माइनस e1 का x2 e1 इनर प्रोडक्ट e1 के साथ अलग हो जाएगा, ये बाहर निकलेगा, इसका कंजुगेट हो जाएगा और यहाँ पर e1 e1 आ जाएगा। और हमें पता है कि e1 e1 जो है वो तो 1 के बराबर है, तो वो उसकी जगह 1 पुट करोगे और उसका कंजुगेट उल्टा हो जाएगा, तो e1 x2 इनर प्रोडक्ट आ जाएगा। ये x2 e1 था कंजुगेट था, तो कंजुगेट ख़त्म करने के लिए e1 x2 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ज़ीरो आ जाएगा। तो इसी तरह e1 e2 जो है वो ज़ीरो के बराबर आ गया। अब इसके बाद यानी पहले जो दो एलिमेंट है e1 e2 उनका इनर प्रोडक्ट तो ज़ीरो आ गया। अब हमने एक तो ये केएम स्कैनर से आपने इरफान खान इस तरह के पिक्चर लिए हैं। अब हमने सपोज कर दिया कि आई और जे दोनों 1 2 3 अप टू एन माइनस वन तक, ये एन माइनस वन है यहाँ पर, एन माइनस वन तक जितने भी आई जे हैं उनके लिए हमने लेट कर दिया कि ये क्या है, ज़ीरो के बराबर है। यानी ये वो जब हम मैथमेटिकल इंडक्शन करते हैं तो उस किस्म का है कि एन से कम जितने भी एलिमेंट हैं, क्योंकि पहले दो एलिमेंट का तो ज़ीरो आ गया, अब एन से कम जितने भी एलिमेंट हैं उन तमाम का हमने ज़ीरो लेट कर दिया और कोशिश करेंगे कि ई एन के साथ भी तमाम का इनर प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाए। तो आई नॉट इक्वल टू जे, और आई भी 1 से एन माइनस वन तक ले सकते हो, जे भी 1 से एन माइनस वन तक ले सकते हो, उनका इनर प्रोडक्ट ज़ीरो के बराबर है, ये लेट कर दिया हमने। अब हम कोशिश करेंगे कि ई एन के साथ तमाम ई जे और जे 1 से लेके वो भी एन तक आ सकता है, कोई भी ई जे हो, उन तमाम के साथ उसका इनर प्रोडक्ट ज़ीरो है। ई एन, ये ई एन नोट करें, ये मैथमेटिकल इंडक्शन वाला फाइनल टर्म। तो ई एन की जगह वाई एन वाई वाई एन नरम आ गया, वाई एन की जगह हमने अपनी वैल्यू पुट कर दी, एक्स एन माइनस समेशन आई 1 से लेके एन माइनस 1 तक एक्स एन ई आई ई आई, ये हो गया। अब इनर प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करो एक्स एन ई जे के साथ, माइनस समेशन वाला जो टर्म है ये भी ई जे के साथ इनर प्रोडक्ट आ जाएगा। अच्छा, एक्स एन ई जे माइनस, अच्छा ये पहले टर्म के साथ ये कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो ये बाहर आ जाएंगे, समेशन आई इक्वल टू 1 अप टू एन माइनस 1 एक्स एन ई आई और ई आई ई जे। अब यहाँ पर जो हमने सपोज किया है वो टर्म इस्तेमाल हो जाएंगे कि n माइनस 1 तक आई इक्वल टू 1 माइनस 1 तक ये जो टर्म है ये हमेशा ज़ीरो आता है, सिवाय एक केस के जब आई जे के बराबर हो। आई जब जे के बराबर हो जाएगा तो ई जे जो है वो हमारे पास ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, और जितने भी आई और जे बराबर नहीं हो, आई नॉट इक्वल टू जे हो, तो वो तमाम के तमाम ज़ीरो आ जाएंगे। सिर्फ एक केस इसमें रह जाएगा ई जे जो कि 1 के बराबर है, वो उससे 1 आ जाएगा, बाकी सारे समेशन जब अप्लाई करेंगे तो बाकी सारे टर्म ज़ीरो हो जाएंगे। इस तरह एक्स एन ई जे माइनस एक्स एन ई जे ये भी ज़ीरो हो जाएगा, और इससे भाई मैथमेटिकल इंडक्शन हमें पता चला कि ये आपस में क्या है, ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल भी है, और उसका जो अपने साथ इनर प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर भी आता है, इसलिए ये सेट ऑर्थोनॉर्मल है। तो टोटल हमने ये प्रूव किया कि एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट एक्स आई को हमने कन्वर्ट कर दिया एक ऑर्थोनॉर्मल सेट ई आई में, एक्स आई को हमने कन्वर्ट कर दिया ई आई में। पहले ई आई बनाए खूबसूरत तरीके से, फिर हमने ये बताया कि ई आई और एक्स आई आपस में एक दूसरे के लीनियर कम्बिनेशंस है, इसलिए दोनों से जो स्पेस बनेगा वो भी सेम होगा। और तीसरी स्टेप में हमने ई आई को ऑर्थोनॉर्मल सेट प्रूव किया, यानी उनका आपस में इनर प्रोडक्ट 1 के बराबर और एक दूसरे के साथ इनर प्रोडक्ट 0 के बराबर। तो टोटल ये प्रूव हो गया कि ई आई का जो सेट है वो ऑर्थोनॉर्मल सेट है। तो नेक्स्ट थ्योरम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।